आप सब, आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला कोरमा। के काफी अरसा हो गया था कोरमे की कोई रेसिपी मैंने नहीं डाली थी, तो मैंने कहा चलो आज कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन, ठीक है, और होल चिकन है ये, उसको पीसेस कर लिया था हमने। अच्छा जी, यहाँ पे खड़ा गरम मसाला लिया है। देखे, इसके अंदर मैंने 2 तेज पत्ते ले लिए, ज्यादा नहीं है, 2 पीसेस है, 2 तेज पत्ते है। एक छोटी सी दालचीनी ली है, इसका अरोमा भी आ जाता है और ज्यादा मोमी भी नहीं आती है। 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं और गोल, और ये लौंगे लिए मैंने 7-8। एक छोटा सा बादियान का टुकड़ा ले लें आप। सफेद जीरा यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, छोटी इलायची भी 4-6, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काला जीरा भी डलता है, काला जीरा क्योंकि यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं डाल रही, आप लोग डालना चाहे तो डाल लें। बाकी ये धनिया पाउडर देखें 1 टेबल स्पून, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। देगी लाल मिर्च ये देखें, ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब रख लें या 1 टीस्पून के करीब रख लें, ठीक है, ये जस्ट फॉर एक करी अच्छी आ जाती है। रेड चिली पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और चुटकी बराबर मैंने यहाँ देखे ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, और ये 2 बड़े साइज की प्याज को मैंने फाइनली चॉप करके ब्राउन कर लिया है और बाहर निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पे दही ये आपके सामने है, ये 1 कप भर के मैंने यहाँ दही ले लिया है। अब इन दोनों को मैं पीसूंगी, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। जर्दे का रंग यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर का लिया है मैंने, आप देख लीजिएगा, और जर्दे का रंग और केवड़ा एसेंस और केवड़ा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, दही और प्याज को मैंने फाइनली पीस लिया है, पेस्ट कर लिया है इसको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को किया था ब्राउन। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया था, ठीक है, ये थोड़ा सा हीट हो जाए, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करके उसको फ्राई करूंगी। फ्लेम को स्लो करते करिएगा, आपसे चिकन लगना शुरू हो जाती है। इसका कलर मैंने चिकन का थोड़ा सा चेंज करना है। मजा भी इसको कर लें, फ्लेम को तेज थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्राउन सी हो जाए चिकन, फिर मैं इसमें खड़े गरम मसाले डालूंगी। अभी देखें, चिकन का कलर चेंज हो चुका है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च, लौंग, छोटा सा बादियान और छोटा सा दालचीनी, 2 पत्ते तेज पत्ते के, ये सब लेके इसको फ्राई करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे मुझसे देसी फूड को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दिया करें, वीडियो पसंद आए तो थोड़ा इसको मैं फ्राई करूंगी। फ्लेम को करें स्लो क्योंकि मैंने इसके अंदर ये पेस्ट डालना है। जैसे इसको मिक्स कर लें, ये देखें दही चिकन में अच्छे तरीके से लिपट गई है। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस सारे डालने शुरू करती हूँ। यहाँ रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, दही लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला पूरा नहीं डालूंगी, अभी थोड़ा सा ही डालूंगी, थोड़ा मैं एंड में डालूंगी। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट अब डालूंगी, और ये जायफल जावित्री पाउडर भी डाल दें क्योंकि ये घर का है इसलिए मैं कम यूज करती हूँ। घर का पिसावा बाहर का जो होता है वो तो आपको पता है कितना वैसा होता है, थोड़ा ज्यादा यूज करना, हाँ वो तेज नहीं होता ज्यादा, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी ना हमें थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन घर वाले की इतनी नहीं रखनी पड़ती है। मैं इसको अच्छे से जरा मिक्स कर लूँ, फिर इसकी करेंगे हम भुनाई। ये देखें कलर कितना चेंज हो चुका है, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अभी मैंने इसी कंडीशन में इसके ऊपर
ये मैं जर्दे का रंग डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शादियों वाला आप कह रही है ना, इसलिए इसकी तरी रखनी है ना मुझे अच्छी वाली। इसको करें मिक्स अच्छे से। जब हम पैकेट लेकर आते हैं उन सब में क्या होता है, यही सब चीजें होती हैं, वो भी सही नहीं होती, घर के मसालों से बना के बड़ा फर्क लगता है। कितनी खुशबू आती है घर के मसाले। आपने बताया नहीं सरप्राइज देंगे 2021 में, किस चीज का? वो जो आप मसालों की रेंज शुरू कर रही हैं। हाँ अच्छा, हाँ जिनको मंगवाने हो वो खरीद भी सकते हैं मरी मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करें, इंशाल्लाह वो भी हम काम शुरू करेंगे। इसको अच्छे से आप मिक्स करें, मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसका कैप लगाएं और केवड़ा एसेंस जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ ये मेरा केवड़ा एसेंस है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी रखूंगी। कोरमे में केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों का अगर ओरिजिनल केवड़ा ही यूज कर रहे हैं तो भाई याद रहा संभल के डालना। नमक अभी नहीं डालूंगी मैं, इसको कवर करूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ताकि चिकन पके और मसाला उसमें भुने। कवर कर रही हूँ मैं। अच्छा जी ये देखिए तरी ऊपर आ रही है, मैं अभी इस पोजीशन पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जरा मैं संभल के ही डालती हूँ तो मैं चेक करूंगी कितना हुआ है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। नमक मैंने डाल दिया है, चेक कर लिया है, माशाल्लाह से बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे मैं डालूंगी घी, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। देसी घी, देसी घी डल रहा है, देसी घी है। नहीं वीडियो में आप ऐसा क्यों बोले, तो ऐसे बोला है मैंने अभी तो। देखो ये बताना चाह रहे हैं लोग क्या क्या बोल देते हैं भाई। अगर आप देसी घी डालना चाहे तो डाले, बहुत अच्छी है, अरोमा आता है उसका। और राहिल कहते हैं कि मेरे टकटक से वीडियो में बहुत शोर होता है। नहीं नहीं कोई ऐसी बात, व्यूअर पसंद कर रहे हैं इसके टकटक। ये मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, इसको करें मिक्स। ये जो छोटी छोटी सी टिप्स है ना, ये वो रेस्टोरेंट वाले कर रहे होते हैं डेली में, इसी तरह की खुशबू आ रही होती है। यहाँ पे कैप लगाएं, इसको साइड करें और ये जो बचा हुआ गरम मसाला है बस, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए दम पे लगाएं। फिर उसके बाद डिश आउट करती हूँ मैं, अब सिर्फ डायरेक्ट डिश आउट करूंगी। तो ये देखिए हमारा कोरमा बनके तैयार हो चुका है। ये घर में बनाए बिल्कुल आपको देगी कोरमे की याद दिला देगा और बहुत ही मजे का बनता है। बच्चे बड़े सलाद में इसलिए फोकस करो कि मैंने बनाया है, थोड़ा आप फोकस करो ना। अच्छा फोकस है। क्रिएटिविटी देखे राही की, माशाल्लाह से इन्होंने टमाटर खीरा प्याज थोड़ी अट्रेक्टिव चीजें होती है जो मेहमानों के आगे बड़ी प्यारी सी लगती है। तो हमारी रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए और अच्छा सा एक फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कैसी बनी थी ये कोरमे की रेसिपी आपके घर के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बने मुसर ऐसी फूड को। और हाँ हमें सजेस्ट करें कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी डालें, ताकि मतलब आप लोगों की राय के हिसाब से हम कुछ प्लान करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। दुआ में याद रखिए, हमें दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।